सो हेलो गाइस, नमस्ते, जय हिंद, वेलकम टू माय व्लॉग। तो स्वागत है आपका एक मेरे नए व्लॉग में। तो ये मेरी भांजी है, ये मेरी भतीजी है। तो हूँ क्या? नहीं है तो मेरी भतीजी नहीं। अरे वहाँ हाय बोल दे, राम राम कर दे सबको, राम राम कर दे, राम राम सबको, राम राम हो गया, राम राम, राम राम ले लेना भाइयों सब इसकी। और तो आज का व्लॉग मेरा, मैं बताता हूँ आपको बिल्कुल सीरियस, आज का व्लॉग है इसके BS6 के ऊपर, के पटाखा फूटता है कि नहीं फूटता। मैं आज आपको इस पर सब क्लियर कर दूंगा कि पटाखे फूटते हैं कि नहीं फूटते। ठीक है रुई, यहाँ बैठो, सबसे पहला बैठो, चलाएगी, बैठो 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 बैठो, चलाएगी है, बड़ी तो हो जाए पहले। ये देखो कैसे खेल लिए। आज के व्लॉग की शुरुआत रूही के साथ करिए। रूही चले व्लॉग बनाने, व्लॉग बनाने चले। इसे स्टार्ट नहीं करूँगा, यहाँ पे पापा मारेंगे, पापा मारेंगे, डांटेंगे, हाँ डांटेंगे। सो गाइस, अब हम चलते हैं जहाँ हमें व्लॉग शूट करना है, अच्छी से लोकेशन पर। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे का व्लॉग। आज आपको मैं सब चीज़ क्लियर कर दूंगा इस चीज़ की। जितने भी भाई हैं हमारे BS6 बुलेट वाले, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए ही होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहे। मैं कोई वैसी बात नहीं करूंगा कि फूटेंगे नहीं फूटेंगे, मैं साफ बता दूंगा कि इसमें पटाखे फूटने नहीं फूटेंगे। मैं बस जहाँ पर मैं व्लॉग शूट करता हूँ वहाँ पर चलता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि मैं इसमें क्या क्या बात होती है, क्या क्या नहीं। बस पहुंचने वाले हम अपनी लोकेशन पर, फिर आपको बताता हूँ सब चीज। हम पहुंचने वाले हैं गाइस अपनी लोकेशन पर, और मैं आपसे इतना ही कहूंगा, प्लीज मेरा भी नया नया चैनल है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और कीप सपोर्टिंग मी। आज का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है गाइस, वैसे बढ़िया हो रहा है, ना ठंडा ना ज्यादा गर्म, एकदम मस्त भाई। वाह राइडर, तो घोड़ा है तो ऐसे ही चढ़ जाएगा, इसमें उतरने की दिक्कत नहीं है, बिल्कुल प्यार से चलता है, बहुत ही तगड़ा इंजन है इसका। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर जहां हम करेंगे अपना व्लॉग शूट। सो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपनी फाइनल लोकेशन में, मेरी हमारी लोकेशन। और हमेशा की तरह मेरा एक ही डायलॉग रहता है, जितनी प्यारी लोकेशन उतना प्यारा हमारा बुलेट। देखो मैंने नंबर प्लेट बनवाई है आगे की और पीछे भी, तो इसका भी मैंने वीडियो बनाया, अगर आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगा। एक बार फिर नमस्ते, जय हिंद, वेलकम टू माय व्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारे व्लॉग आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे किस चीज़ के ऊपर है।
तो मैं आपको ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए आपको सब सब चीज़ क्लियर बता देता हूँ। ये उन लोगों के लिए होने वाली है खास जिनके पास BS6 बुलेट है। उनकी सबसे मेन समस्या यही है कि उनकी बुलेट में कार्बोरेटर नहीं है और उनके में पटाखे नहीं फटते। और बहुत सी यूट्यूब पे वीडियो चल रही है कि एक्स्ट्रा बटन लगाने से, यहाँ पे जॉइंट करने से मेन तार पर, और उसको ऐसे ऐसे दो बार करने से, फिर ऑन ऑफ करने से पटाखे फूटते हैं। तो मैं आपको साफ बात बता दूँ, ये सब कुछ नहीं है, कुछ पटाखे नहीं फूटते। 2021 BS6 मॉडल में वो तार जॉइंट करके वो पटाखे फूट रहे थे, वो पटाखे फूट रहे थे। बट 2022 जिसमें AFI सिस्टम है, जिस बुलेट में यहाँ पे ECU लगा हुआ है, उसमें वो सीन है एक बटन जॉइंट करके मेन इंजन में। बताता हूँ कि जो भी BS6 2021 मॉडल जिसमें ECU है लगा हुआ, वो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बटन लगाने से, और यहाँ मेन इसमें आपने देखी होंगी सब वीडियोस में तार कनेक्ट कर देते हैं, फिर उसको आप ऐसे दो बार ऐसे करके ऐसे फोड़ते तो फूटता है। बट 2022 से ये जो इश्यू इसमें नहीं आ रहा, उसमें पटाखे नहीं फूट रहे। आप सब सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा था कि बटन वटन जो भी लगाएंगे, आपको भी इतना पता, आप भी समझदार है ही, आप बटन वटन जो भी लगाओगे यहाँ पे वो जुगाड़ से ही होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमेशा जुगाड़बाजी ना आपकी मशीन को ख़राब करती है। आपकी बुलेट या बाइक कुछ भी कर रहे हो, किसी चीज़ में भी आप जुगाड़ कर रहे हो ना, तो वो आपको दिक्कत देगा। अभी नहीं, साल बाई साल आगे चलकर आपको ज़रूर दिक्कत देगा वो। और आप आपके मन में डाउट होंगे कि आपके बटन इतने सारे किस चीज़ के, आपने बिल तो नहीं लगवा रखे कहीं, तो ऐसा दोस्तों मैंने बिल्कुल भी नहीं करा रखा है ये सीन। एक बटन है ये वाला, ये चारों इंडिकेटर का देख सकते हैं आप, ये ऑन कर दिया मैंने और हमारे चारों इंडिकेटर हो गए ऑन। और एक बटन है हमारा ये लाइट का, ये रात को करता हूँ मैं ऑरेंज लाइट। अभी तो लाइट दिखेगी क्योंकि थोड़ी हल्की है, क्योंकि ये रात को बहुत प्यारी लगती है, बहुत ही प्यारी। तो एक इसका है, और ये वाला मेन लाइट हमारी जब रेल चलती है ना, ये वाला बटन है हमारा, ये जो तीन आपको दिख रहे हैं ना, और ये सारी चीज़ इससे ही जलती है, ये मेन। तो मैंने आपको ये बिना किसी कोई भी ना वीडियो लंबी करके बस आपको इतना क्लियर कराया कि BS6 में पटाखे नहीं फूटते। अगर आप जुगाड़बाजी करके फोड़ोगे तो वो खुद अपनी रिक्स पे फोड़ोगे। तो अगर आपको पटाखे ही फोड़ने हैं तो आप इसको, इस बुलेट को आप कन्वर्ट करा सकते हैं BS3 में। फिर आपकी बुलेट की कार्बोरेटर लगने की वजह से आपकी बुलेट की लाइफ लॉन्ग भी हो जाएगी, इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। कार्बोरेटर बहुत अच्छा होता है अकॉर्डिंग टू EFI सिस्टम से। और अगर आप चाहते हैं, मैं खुद इसको BS3 में कन्वर्ट कराऊंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाइए वहाँ BS3 में बुलेट कन्वर्ट करते हैं वो, उसका उनका पेज दे दूंगा, उनका लिंक दे दूंगा आपको, आप पूछ सकते हैं जो भी। मैं खुद अभी अगले महीने में खुद जा रहा हूँ उनके पास इस बुलेट को BS3 में कन्वर्ट कराने के लिए। और जिसके पास भी BS6 बुलेट है उन्हें तो पता ही होगा कि भले ही पटाखे नहीं मारती, लेकिन ये कभी कभार मिस बहुत गंदे मारती है, उसे हम पटाखा नहीं कह सकते। लेकिन पटाखा प्रेशर से लगता है, ऑन ऑफ मेन जो बटन है उसी से लगता है। सो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और बस आपसे मैं इतनी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ सपोर्ट करो मेरे चैनल को। बिना टाइम वेस्ट करे मैंने आपको सब चीज़ सच बता दी कि BS6 में पटाखे नहीं फूटते। फोड़ोगे तो आप अपने रिक्स पे फोड़ोगे, वो फिर भी नहीं फूटेंगे, आपके इंजन में दिक्कत देगा। आपको पटाखे फोड़ने हैं तो आप इसमें कार्बोरेटर लगवाइए, इसको कन्वर्ट करा लीजिए BS3 में। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और बाकी मैं आपको दिखाऊंगा इसके मिस, जो आप बोलते हैं ना मिस कैसे लगते हैं, मैं आपके मिस दिखा देता हूँ आपकी, इसकी साउंड बढ़ गया। तो गाइस बुलेट ठंडी पड़ चुकी है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, और आपको दिखाता हूँ इसके जो मिस लगते हैं ना, वो आपको मैं मिसिंग दिखाता हूँ, उसको आप पटाखा नहीं कह सकते, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखाता हूँ। तो चलिए घर की तरफ चलते हैं और दिखाता हूँ आपको मैं। और भाइयों प्लीज़ प्यार अपना बनाए रखना और सपोर्ट करना। बाकी BS6 की बुलेट की आवाज़ बहुत प्यारी है यार, आवाज़ वैसे हर बुलेट की बहुत प्यारी है, लेकिन इसका जो साउंड ही है ना, और जो बुलेट है
BS3 BS4 उसके मुकाबले बहुत तेज़ साउंड है इसका, बहुत ही तेज़, और इसकी RPM भी बहुत ज़्यादा है। किसी को दिक्कत है इस चीज़ से, किसी को नहीं है। वो साउंड था गाइस जिसकी मैं बात कर रहा था, बट इसको आप पटाखा नहीं कह सकते, ये प्रॉपर पटाखा नहीं है। और अगर आपको पटाखे मानने हैं तो प्लीज़ कन्वर्ट कराइए अपनी बुलेट को, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाइए। वो बहुत ही अच्छे भाई हैं हमारे, अगर आप उनको मेरे व्लॉग का नाम लेके कहेंगे ना कि मैं यहाँ से आए वो व्लॉग देख कर आया हूँ, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा। सो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और प्लीज़ मेरे को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा प्यार देना और सपोर्ट करना, आगे का व्लॉग बहुत जल्द आने वाला है।